एट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेई में जिलाधिकारी डॉक्टर मन्ना नक्तर ने मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए शहरों में जाना पड़ता है और अच्छी खासी फीस और डोनेशन देनी पड़ती है, जिसमें ग्रामीण सभी लोग उतना खर्चा सहन नहीं कर पाते। जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब इन मॉडल क्लास स्कूलों में अच्छी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उद्घाटन समारोह में मुख्य विकास अधिकारी अवधेश बहादुर सिंह ने कहा कि शासन की मंशा है कि ग्रामीण बच्चों को भी अच्छी शिक्षा से अच्छी शिक्षा मिल सके। प्राइवेट विद्यालय के कंपटीशन में विद्यालय मील का पत्थर साबित होंगे। एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश शाही ने कहा कि इन विद्यालयों में अच्छे से अच्छे शिक्षक रखे जाएंगे, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी उच्च पद पर जा सके। उद्घाटन समारोह में वीडियो सुदामा शरण, जिला पंचायत अधिकारी अभय कुमार सिंह, CDO बलवीर सिंह, सचिव रमेश उदेनिया, प्राइमरी अध्यापक गीता निरंजन, अंजलि राजपूत, NPRC आरती पाल, NPRC रवि खुसरू, शैलेंद्र कुमार ग्राम प्रधान दगुआ कला, मुकेश बाबा, राम कुमार निरंजन, अमित यादव, केशव छोटू आदि मौजूद रहे। न्यूज फ्रीडम के लिए जालौन से उमाशंकर की रिपोर्ट। और यहाँ पर डिजिटल क्लास का शुभारंभ आज हुआ है, जिसमें BSS राव बता रहे थे कि इनके यहाँ ट्रेंड टीचर्स भी हैं, जो धीरे धीरे करके सारे विद्यालयों में तो रेप्लिकेट करेंगे। और अभी हम लोग 90 विद्यालयों में यह कार्य प्रथम चरण के रूप में लिए हुए हैं। और जो राज्य सरकार का कायाकल्प अभियान चल रहा है, उसमें इन विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से सुदृढ़ करेंगे तथा उनमें जो है ये स्मार्ट क्लासेस चलाने का भी कार्य किया जाएगा। अब आपका न्यूज़ फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ फ्रीडम चैनल, और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।